हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दत्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2020 की स्ट्रैटेजी के बारे में। 15 से 20 दिन बचे हैं और ये जो पीछे यार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, लास्ट ईयर भी मैंने एक सिमिलर स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसे लाखों बच्चों ने देखा था और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रही थी उन लोगों के लिए। मोर देन 30,000 लाइक्स हैं उस वीडियो पे और लाइक रेशो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस साल भी मैं आपको कुछ वैसा सा ही देना चाहता हूँ, काफ़ी मेहनत करी है इसके ऊपर और जो हमारा नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ही इसे बनाया गया है। अब आप में से यार जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, हर बच्चा अलग है। किसी की थोड़ी पुअर प्रिपरेशन है, कुछ की एवरेज प्रिपरेशन है, कुछ की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। तो जिस प्रकार यार डॉक्टर होता है, सबका डोज अलग अलग होता है ना पेशेंट का, तो सिमिलरली आपके लिए हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। तो यहाँ पे यार मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया और एक चीज़ और यार, वीडियो को अगर देख रहे हो तो पूरा देखना, बीच में छोड़ दोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाए, ठीक है यार, पता चला फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है मैंने। यहाँ पे रेड बॉक्स का मतलब क्या है, वो चैप्टर जो कि इजी हैं और कम टाइम में हो जाते हैं। ब्लू वाले का मतलब क्या है, वो चैप्टर जो कि हार्ड और मीडियम के लेवल के बीच में आते हैं और जिन्हें करने में 2 से ज़्यादा दिन लगते हैं, एंड डेज तक कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। ये स्टार क्या है, ये स्टार वो टॉपिक हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। हो सकता है ये इजी टॉपिक हो सकता है ये हार्ड टॉपिक हो सकता है ये कोई और टॉपिक हो, ये वो चैप्टर हैं जिनमें हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है। एक चीज़ यार याद रखेंगे, जेईई इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट्स अबाउट रिटेंशन। सिलेबस इस एग्जाम में मेजॉरिटी बच्चे कंप्लीट करके जाते हैं पर पेपर में जाके याद नहीं रहता है। तो किसी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं करना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इनको कर लो ना, सबसे पहले वो स्टार वाले चैप्टर करने हैं जो आपको आते हैं। हर बच्चे के वो अलग अलग स्टार हैं, आपको उन्हें कंठस्थ करना है, ग्रेट। उसके बाद आते हैं यार हमारे इजी टॉपिक्स और कुछ मैंने स्पेशल मार्किंग दे रखी है, हलवा टॉपिक्स एंड गोल्ड टॉपिक्स। हलवा टॉपिक्स कौन से हैं, हलवा टॉपिक्स वो हैं यार जो कि यहाँ पे लाए करते हैं इस एरिया में, मतलब हद इजी टॉपिक और जिन्हें आप एक दिन से कम टाइम में कर सकते हो और जिनसे आपका एक क्वेश्चन पक्का सिक्योर हो जाएगा, वो है आपके हलवा क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे यार 2 चीज़ें और मार्क कर रखी मैंने, हलवा टॉपिक। हलवा टॉपिक कौन से हैं, ये वो टॉपिक हैं जो कि इस एरिया में लाए करते हैं, मतलब हद इजी टॉपिक और जिन्हें खत्म करने में हमें एक दिन से कम समय लगेगा। साथ में कुछ गोल्ड टॉपिक्स भी हैं। गोल्ड टॉपिक क्या है, वो टॉपिक जिसमें अगर आप हाथ डाल देते हो तो यार मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल उठ के आई आ रहे हैं। बच्चे होते हैं जिनको एक डाउट होता है, भैया कितनी परसेंटाइल आनी चाहिए, कितनी रैंक हो, कितने मार्क्स आने चाहिए। देखो ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है, 11.5 लाख लोग थे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। इन 11.5 में से यार 1.5 लाख तो ऐसे बच्चे थे जिन दोनों एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, कुछ हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है। तो उन 1.5 लाख से आपको कॉम्पिटिशन है ही नहीं। 10 लाख बच्चे मानते हैं, 10 लाख में से अगर आपको टॉप 10,000 रैंक में आना है तो क्या हो गया, टॉप का 1%, तो मतलब आपकी 99% आनी चाहिए, लगभग वो ही है, ठीक है। अब ये 99.12 इसलिए हो गया क्योंकि असली में 11 लाख थे, 10 लाख नहीं थे, समझ रहे हो। फिर सिमिलरली अगर आपको टॉप 10,000 में आना है तो मतलब आपको ऊपर के 0.1% में आना पड़ेगा, तो 99.91% लानी पड़ेगी। अगर आपको टॉप 20,000 में आना है तो क्या कर रहा होगा, 90 ऊपर के 2% में, तो 98.2% टू बी प्रसाइज। अगर आपको ऊपर की 25,000 रैंक में आना है तो मतलब 2.5%, तो वो 97.8% टू बी एक्यूरेट, ठीक है। ये लमसम है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर फर्क आ सकता है। तो अब इस पे यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हलवा टॉपिक्स और गोल्ड टॉपिक्स मार्क कर रखे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार इन तीनों के लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियोज और बना रखे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए, जैसे फिजिक्स में यार आपकी यूनिट एंड डायमेंशन में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, हलवा टॉपिक। मेजरमेंट ऑफ एरर में से एक क्वेश्चन आएगा, ये हलवा टॉपिक। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट हलवा टॉपिक है। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है, इनमें से उठा उठा के क्वेश्चन फेंकता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हाफ साइकिल इंपॉर्टेंट होगी, एक्सरे में क्या इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या इंपॉर्टेंट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहा था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता और मैंने ऑलरेडी बना रखा है लास्ट ईयर, तो आप नीचे जाके देख सकते हो, सेम फॉलो करना है। इनफैक्ट वहां पे मैंने हर चैप्टर के आगे ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा लगा रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। लास्ट ईयर तक यार 30 क्वेश्चन आते थे हर सब्जेक्ट में से, तो अगर किसी सब्जेक्ट में 18-20 चैप्टर हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, अब सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे और एक डेमोक्रेसी सी आ जाएगी सभी चैप्टर्स के बीच में, समझ रहे हो? वो चैप्टर जिनमें से दो दो क्वेश्चन उठ के आ जाते थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, समझ रहे हो? हर चैप्टर के हिस्से में एक या कुछ होंगे जिनके दो हिस्से आएंगे। सब पॉइंट फील कर पा रहे हो? अगर हम केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करें जिसमें चैप्टर इतने सारे होते हैं, ठीक है, तो लगभग सब एक की वेटेज एक 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 आ रही होगी। कोई भी एग्जामिनर है यार, वो पेपर सेट कर रहे हैं, एडवांस का पेपर नहीं है कि दो शिफ्ट हो रही हैं तो एक शिफ्ट में एक के ज्यादा हो गए, सेकंड शिफ्ट में कवर अप कर लिया, नहीं, ये मेंस है। एग्जामिनर लगभग सारे चैप्टर को टच करना चाहेगा और क्वेश्चन है 25। फील समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज जो एग्जामिनर कर सकता है वो ये कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो तीन चैप्टर के फंडे लग रहे हो। जैसे कि मैकेनिक्स में बहुत ईजी है कि यार उसमें सर्कुलर मोशन भी लग रहा हो, NLM भी लग रहा हो और वर्क एनर्जी भी लग रहा हो। फील आ रही है हमें? तो अगर हम कर रहे हैं मैकेनिक्स को तो ढंग से करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है कि यार या तो आप थर्मो कर सकते हो या फिर आपने मैकेनिक्स पूरा कर रखा है सिर्फ वर्क एनर्जी नहीं कर रखा, तो कौन सा करें? वर्क एनर्जी कर लो, जिससे कि आपका एटलीस्ट एक चंक पूरा हो। अगर जैसे आपका हीट एंड थर्मो है तो दोनों करके जाओ, सिर्फ एक एक मत करके जाओ। फील समझ पा रहे हो आपको सेलेक्ट कैसे करने हैं? ठीक है, SHM कर रहे हो तो वेव साथ में करो, ये करो, साउंड वेव्स भी साथ में करो, ये करो। तो ये चंक हो गए, चंक में हमें पढ़ाई करनी है। मॉडर्न कर रहे हैं तो पूरी मॉडर्न ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे मॉडर्न के दो पढ़ लिए, मैकेनिक्स के दो पढ़ लिए, SHM में से सिर्फ SHM कर लिया, नहीं। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डॉपलर्स इफेक्ट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल उठ के आ जाएगा, ठीक है, तो इनको हमें पढ़ के जाना ही है। सिमिलरली यार बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नीचे बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री JEE मेंस में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आप नहीं बता सकते, ठीक है। अगर बोलने पे आए तो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल दो क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं। फिर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों, तो ये तीनों टॉपिक आपकी गोल्ड कैटेगरी में आते हैं, इनमें से क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स की बात करें सब इक्वल वेटेज रखते हैं, एक 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 क्वेश्चन आया जा रहा है, किसी साल जीरो हो गया, किसी साल एक हो गया, किसी ऐसे आए जा रहे हैं। तो अगर 5 साल में हम देखें तो 4 साल एक एक क्वेश्चन आ गए, फिर 0 आ गए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है हर चैप्टर के पिछले 5 ईयर का एनालिसिस दे रखा है, ग्रेट। अब इसमें यार 4 चैप्टर हैं जो हलवा है हमारे, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपके हलवा टॉपिक है, जल्दी होते हैं और हम करके जाएंगे, ग्रेट। फिर बात करें अगर मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट लगभग सबका स्ट्रांग होता है क्योंकि सबसे पहले पढ़ाया जाता है और इंपॉर्टेंट है JEE मेंस के हिसाब से क्योंकि हर साल क्वेश्चन उठ के आ जाता है। 100% में से 60% पेपर आपका इजी आता है। इजी का मतलब क्या है? NCERT से उठ के आता है। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ अपनी 11th और 12th की NCERT अच्छी से कर रखी है तो 100 में से वो 60 नंबर का पेपर डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता है और सही कर सकता है। 25% पेपर हमारा मीडियम लेवल का आता है और 15% पेपर जो है वो हमारा हार्ड लेवल का होता है। चलिए अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इस साल अगले 10 दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज ला रहा हूं जहां पे मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब यार कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सारा पढ़ाएगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर में से अगर 20 साल में एक क्वेश्चन आया किसी सर्टेन टॉपिक पे, वो आपको वो भी पढ़ाएंगे और वो टॉपिक भी पढ़ाएंगे जिससे यार कि पिछले 10 सालों में 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर देख के साथ में बहुत ज्यादा रिसर्च करके वो 10 दिन में अपलोड होगा, ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का सबका डिस्कशन हो जाएगा और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे होगा, तो कोई अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर करना चाहता है वो देख के चले जाओ, काफी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कॉनिक्स में यार आसान होते हैं, रेड बॉक्स का मतलब क्या है, इजी टॉपिक है अगर हम कॉनिक सेक्शन की बात करें, ठीक है। अगर आप पिछले 3 साल से देखोगे तो हाइपरबोला पैराबोला के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिलेटिवली डिफिकल्ट हैं, स्ट्रेट लाइन सर्कल के इजी आ रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीड आएंगे अगर आप इन दोनों को करके जाओगे तो। सिमिलरली वेक्टर एंड 3D की बात करें, ये भाई भाई हैं, वेक्टर में से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, 3D में से 1 क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो 3 क्वेश्चन 2+1 फाइनल है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये गोल्ड बोल सकते हो, ये मैथ्स मैथमेटिक्स के गोल्ड नहीं है। फिर अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, सबसे पहले पढ़ाया जाता है, लगभग ज्यादातर बच्चों का स्ट्रांग होता है, 1 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सीक्वेंस सीरीज की बात करें, हलवा है, 2 क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं, आसान है रिलेटिवली और 2 क्वेश्चन हर साल उठ के आते हैं। सेट्स एंड रिलेशन की बात करें, हलवा टॉपिक। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, हलवा टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हलवा टॉपिक। एक एक क्वेश्चन आता है, समझ लो पिछले 5 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो ऐसे है, 1-1-1-1-0-1-0-1-1-1-1-0-1-1-1, समझ रहे हो? तो मतलब अगर आप 3 टॉपिक करके जा रहे हो तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये तीनों करते हो तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो अच्छे रहे तो 3 आएंगे। फील समझ पा रहे हैं? तो ये हैं हलवा टॉपिक्स, इन पे हम ध्यान देंगे। तो अगर आपके पास समय बचा है जो कि कम है
और आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो जिससे आपके थोड़े से नंबर बढ़ जाएं, तो आप इन हलवा टॉपिक को कर सकते हो, ठीक है। और अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यार, जेई मेन इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज अबाउट रिटेंशन। ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस हो रखा है, रिवाइज नहीं हो रखा, पर तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्टार टॉपिक कर रखे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हें रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो आप इन हलवा टॉपिक्स को देख सकते हो। तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।